ढूंढता है तो किसका सहारा, ढूंढता है तो किसका सहारा। बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। यूनान मिस्र रूमा सब मिट गए जहां से, बाकी मगर है लेकिन नामो निशा हमारा। तो ये इयम विसृष्टिर्यत आब भूव यदि वा दधे यदि वा ना, यो अस्य अध्यक्षा परमे वियो मंतसो अंग वेद यदि वा न वेद। ये सब पूरा सृष्टि, पूरा कारखाना, भूमंडल, ये किसने बनाया है, कौन इसे चला रहा है, क्या जो ऊपर बैठा हुआ है क्या वो इसका संचालन कर रहा है, या वो भी नहीं जानता कि इसको किसने बनाया है और कौन संचालन कर रहा है। अब मैं ये नहीं मानता हूं कि ये किसी चीज को डिनाई करने की कोशिश हो रही है, ये प्रयास हो रहा है आपके ऊपर कि आप अपनी बुद्धि का प्रयोग कीजिए और इस ये जो पहेली है इस पहेली को खोजने की कोशिश करिए। और जिस दिन आप ये पहेली खोज लेंगे ये आपके आध्यात्मिक विकास में भी मदद करेगी और ये आपके विज्ञान के विकास में भी मदद करेगी। इस संस्कृति में किसी चाहे विचार हो चाहे व्यक्ति हो, किसी को पराया समझने के लिए कोई जगह ही नहीं है। अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि, अपने जैसे ही दूसरे व्यक्ति के सामने हाथ जोड़कर प्रणाम क्यों, नमस्कार क्यों करते हो? कहा कि मैं व्यक्ति को नमस्कार नहीं कर, उसके सामने नहीं झुकता हूं, उसके अंदर जो आत्मा के रूप में परमात्मा विद्यमान है उसे, मेरी आत्मा के अंदर जो परमात्मा विद्यमान वो उसको पहचानता है और आत्मा की जो इंटरकनेक्टिविटी है मैं उसको प्रणाम करता हूं। भारत की ने अपने आप को खुद कैसे देखा है? हमारे शास्त्रों में आता है हाउ इंडिया हैज बीन डिफाइंड, भारत को परिभाषित कैसे किया है? भारत को परिभाषित किया है उत्तरम यत समुद्रस्य हिमाद्रि चैव दक्षिणम वर्षम तत भारत नाम भारतीय संतति। उत्तर में हिमालय, दक्षिण में समुद्र, ये पूरा भूभाग भारत, इसके बच्चे भारती, ये शायद ये जब ये हमारे ऋषियों ने, ध्यान रखिएगा हमेशा, भारत के इतिहास में ना तो कोई बादशाह राजा ना कोई सेनापति समाज का आदर्श नहीं रहा है, समाज के आदर्श ऋषि रहे हैं। राजा को भी जिसको हमने अवतार का दर्जा दिया है इसलिए नहीं दिया कि वो राजा थे, राजा के नाते तो हमेशा तीन मामलों को लेके उनकी आलोचना की गई। अगर आदर्श राजा को हमें राम अवतार मानना होता, आदर्श राजा तो विक्रमादित्य थे जिनके ऊपर कोई आलोचना कहीं से उनके राज धर्म के निर्वाह में कोई आलोचना कभी की ही नहीं गई, लेकिन भारत के मानस को राजा अपील नहीं करता, भारत के मानस को त्यागी अपील करता है। भारत में आकर्षण त्याग के लिए है, राज के लिए नहीं है। स्वामी विवेकानंद ने यही बात कही, कहा इंडिया हैज ओनली टू नेशनल आइडियल्स, रिनंसिएशन एंड सर्विस, इंटेंसिफाई हर इन दीज टू चैनल्स, द रेस्ट विल टेक केयर ऑफ इट्स। ये भारत का जीनियस है। भारत में कोई सेनापति हीरो नहीं, राजा हीरो नहीं, आदर्श नहीं है। हमारे आदर्श कौन है? हमारे आदर्श वो हैं जो सब कुछ छोड़ के तपा स्वाध्याय निरुत्तम।
किसका सहारा, ढूंढता है तो किसका सहारा।